हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग फिर एक स्टडी लेके आए हैं जो कि अलेक्जेंडर का कोविन ने 1936 में कंपोज की थी और बहुत ही बेहतरीन स्टडी है। इसके लिए जबरदस्त कैलकुलेशन के साथ एक बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप की स्टडी है। तो आप लोग अपनी जोर आजमाइश कर सकते हैं यहाँ पर कि कितना आगे तक आप इसको सही सोच पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि कोई पूरा लास्ट तक इसे सोच पाए। और जब तक आप करते हैं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में और देखते हैं कि फिर क्या होगा। जब तक इन टाइम बीइंग आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचना शुरू कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और दोस्तों को जरूर चैलेंज कीजिएगा कि वो भी इसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वेलकम बैक। तो अब इस स्टडी को देखना शुरू करते हैं। बहुत ही जबरदस्त इमेजिनेशन चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल मूव्स हम देख सकते हैं, लाइक हम नाइट F4 खेल सकते हैं और इसे लेने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह अटैक है। बट ये आसानी से जो है अपना एक्सचेंज यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सकता है और अपने आप को जो है बचाया जा सकता है। लाइक इस टाइप की पोजीशंस को खेला जा सकता है और मुझे लगता नहीं कि इस पोजीशन में फिर आसानी से वाइट जीत पाएगा। काफ़ी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ेगा। लाइक इसको मार सकता है, देन दिस जीतने की चांसेस हैं बट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं होगा। कुछ और मूव्स की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर अदर देन नाइट F4। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और तरीके अगर ये अपनाए, लाइक F4 चेक यहाँ पर दिया जा सकता है जो कि बहुत ही ऑब्वियस सा लग रहा है। नाइट D4 हम खेल सकते हैं बट सभी में प्रॉब्लम वही है कि ये जो है अपना एक्शन सेक्रीफाइस कर सकता है। इवन इसमें तो बचाने का भी चांस है और उसके बाद फिर शायद मैट आसानी से नहीं हो पाएगी। तो हम लोगों को देखना होगा कि किस तरीके से हम इसे शुरू करें। सो देखना शुरू करते हैं यहाँ पर जो करेक्ट मूव है जो है F4, ये है सबसे ब्रिलियंट मूव यहाँ पर। और क्यों ये अच्छी मूव है वो हम देखना शुरू करते हैं, क्योंकि अब अगर ये नाइट किंग F5 खेलता है तो हम नाइट D4 चेक देंगे, किंग G4 जाएगा तो नाइट इंटू E6 के बाद हमें पूरा का पूरा रुक मिल गया और इस पोजीशन को जीतना वाइट के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सारे पॉन्स भी अभी ब्लैक के मरने वाले हैं थोड़ी देर में धीरे धीरे करके। सो इसी वजह से इन्होंने F4 के बाद किंग F5 मूव नहीं खेला है और किंग को खेला है D5। ऑलमोस्ट फोर्थ है ये मूव और अब फिर वाइट को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करे। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी मूव है वो है F5, सबसे बेस्ट मूव है यहाँ पर। इन पॉन्स को मारना ठीक नहीं है और चूंकि ब्लैक ऑलरेडी 2 पॉन अप है सो ये कुछ मटेरियल आपको दे सकता है। तो यहाँ पर अब आपके लिए ये खेलना ऑलमोस्ट फोर्स हो गया। अब जो है थोड़ी देर में ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट आने वाला है तो आप लोग तैयार रहिए उसके लिए कि क्या होने वाला है। यहाँ पर इन्होंने खेला है नाइट F4 चेक, सो अगेन ये फोर्स मूव है। ये वो सिचुएशन है जो किसी ने अगर इमेजिन की होगी तो जो नेक्स्ट मूव वाइट चलने वाला है अगर वो इमेजिन कर पाया होगा तो बहुत ही शानदार ये गेम यहाँ पर होने वाला है। सो वाइट ने खेला एक सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग मूव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। रुक D5 से चेक मैट होने वाली है और इसे बचाने का केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है पॉन टू C6। आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके वाइट जो है कुछ सेटअप जमा रहा है और ब्लैक के किंग को एक बहुत ही ब्रिलियंट सी मैट उसने दी है यहाँ पर। सो उसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा। अब ये पोजीशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है करने के लिए। सो रुक D5 अगेन अ ब्रिलियंट मूव, सो C into D5, फिर एक ब्रिलियंट मूव खेला है नाइट D3 और आप देखिए कि अब ऑलमोस्ट सब कुछ फोर्स हो रहा है और जैसे ही इसे मारेगा अचानक चेकमेट, क्योंकि सारे स्क्वायर्स जो है ब्लॉक करवा दिए हैं ब्लैक के पीसेस से ही, किंग को भागने का कहीं भी जगह नहीं, वो एक पॉन से चेकमेट हो गई है। तो ये स्टडी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप इसका आंसर दे पाए हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई स्टडी आपके पास भी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, जिस पर हम वीडियो बनाएं आगे चल के आपको ऐसा लगता है, तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।